जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीके जीएस का मस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, 5 अक्टूबर 2022 को मनाया गया था पहली बार, 5 अक्टूबर 2022। हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप लोगों का काम है इनको बढ़िया तरीका से नोट डाउन करते चलिए, याद करते चलिए, समझते चलिए। चलिए, तो पहली बार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया है? तो 5 अक्टूबर 2022। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम ये किस वर्ष लागू किया गया था? तो वर्ष 1948 में, 1948, वर्ष 1948 जो कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि कबूतर, उल्लू, कौवा और फिर मोर में से किस पंछी को शांति का प्रतीक माना जाता है? आप लोग कमेंट कीजिए, कौन से पंछी जिनको शांति का प्रतीक माना गया है? तो मोर है, इनको शांति का प्रतीक माना गया, जो कि भारत देश का राष्ट्रीय पंछी है मोर। मोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो इन दो नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी किन दो नदियों के बीच में है? तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। तो देखिए, क्वेश्चन घुमा कर क्या सकता है कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सा पर्वत श्रेणी है? तो सतपुड़ा पर्वत हो गया। और क्वेश्चन पूछ सकता है कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी किन दो नदियों के बीच है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच है। अगला क्वेश्चन देखिए कि दक्षिण अमेरिका के चौड़े वृक्ष रहित घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? चौड़े वृक्ष रहित घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो पंपास इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंपास कहा जाता है, घास के मैदानों को क्या कहेंगे? पंपास। कहाँ का? दक्षिण अमेरिका के चौड़े वृक्ष रहित घास के मैदान। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? दलहन अनुसंधान संस्थान ये आपका कानपुर में है, याद रखिएगा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो कानपुर पर स्थित है, कानपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप लोग के सामने कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया था? अंग्रेजी शिक्षा को किन्होंने शुरू किया था? तो लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया? कांग्रेस रेडियो का संचालन किन्होंने किया था? तो उषा मेहता इसका राइट आंसर हो जाएगा, कांग्रेस रेडियो का संचालन किया था उषा मेहता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो दुलहस्ती पावर स्टेशन ये आपका चेनाब नदी पर स्थित है, ठीक है, चेनाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुलहस्ती पावर स्टेशन चेनाब नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, दुलहस्ती पावर स्टेशन के बाद क्वेश्चन नंबर 10 है आप लोगों के सामने कि जल के आयतन के आधार पर विश्व का सबसे बड़ी नदी कौन सी है? देखिए, कहने का मतलब है कि कौन सा नदी सबसे ज्यादा जल को कैरी करती है? तो अमेजन नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमेजन नदी। जल के आयतन के आधार पर विश्व का सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार किन देश को कहा जाता है? तो वेनेजुएला इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन से देश है? वेनेजुएला। अगला क्वेश्चन देखिए कि उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद, तो देखिए फिरोजाबाद जो कि शीशा उद्योग के लिए फेमस है, यहाँ क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला किस प्रकार के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है? तो शीशा उद्योग इसका राइट आंसर हो जाएगा, फिरोजाबाद याद रखिएगा, फिरोजाबाद शीशा उद्योग जो कि यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहा जाता है? हार्डवेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो ये जो होता है आपका वयस्कों में क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस। देखिए, ऑस्टियो वर्ड हड्डी से रिलेटेड करता है, और हड्डी से रिलेटेड कौन से विटामिन है ना? ऑस्टियो जो होता है ना, ये आपका विटामिन जो होता है, तो
नहीं होता है, विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। और ये विटामिन, अगर सूखा रोग भी है तो देखा जाए तो विटामिन डी के कारण ही होता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस अगर देखा जाए, ये आपका विटामिन सी नहीं, विटामिन डी के कमी से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक विद्युत सर्किट में किसी फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए किया जाता है। देखिए फ्यूज तार का उपयोग किन के लिए किया जाता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फ्यूज तार का उपयोग किन के लिए किया जाता है, तो सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का आंसर है कि अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, डाम्फा डाम्फा वन्य जीवन अभयारण्य किस भारतीय राज्य में अवस्थित है। तो डाम्फा वन्य जीव अभयारण्य, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका मिजोरम में स्थित है। मिजोरम में डाल्फा वन्य जीव अभयारण्य भारतीय राज्य, कौन से भारतीय राज्य में स्थित है, तो मिजोरम। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा में कुल 5 अस्थायी सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 1985 में कौन सी सूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है, ठीक है। क्या है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कब 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, तो 10वें अनुसूची को। 10वें अनुसूची में क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, 10वें अनुसूची में क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन योग्यताएं निर्धारित करता है, ठीक है। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है, तो ये है आपका अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 57 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि वर्ष 1906, ठीक है, 1906 ईस्वी में किसने कलकत्ता कांग्रेस अधिनियम की अध्यक्षता की थी, ठीक है। 1906 में किसने कलकत्ता कांग्रेस अधिनियम की अध्यक्षता की थी, तो दादा भाई नरोजी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दादा भाई नरोजी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में कलिंग का राजा कौन था। मौर्य काल में कलिंग का राजा था आपका खारवेल, खारवेल याद रखिएगा, कलिंग का राजा कौन से काल में, मौर्य काल में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में समुद्री मार्ग की खोज किन्होंने की थी, तो वास्को डिगामा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वास्को डिगामा ने समुद्र मार्ग की खोज किया था, भारत में समुद्री मार्ग। अगला क्वेश्चन देखिए कि सेरिंगपट्टनम की संधि कार्नवालिस और किसके बीच हुई थी, तो चांद बीबी के बीच, कार्न वालिस और चांद बीबी के बीच ये संधि हुआ था, इस संधि का नाम क्या है, तो सेरिंग पट्टनम। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक ने किस वर्ष कलिंग पर विजय प्राप्त किया था, अशोक ने किस वर्ष कलिंग पर विजय प्राप्त किया था, तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 261 ईसा पूर्व। किताबों के डर को क्या कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किताबों के डर को क्या कहा जाता है, तो यह है आपका विल्वियोफोबिया, ठीक है। मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है, और फिलहाल के लिए ये एमटीएस के एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। विल्वियोफोबिया, किताबों के डर को क्या कहा जाता है, विल्वियोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखा जाए तो ये फ्रांस में है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है, फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर देखिए 22, हाउस ऑफ लॉर्ड्स संसद के ऊपरी सदन का नाम क्या है, तो ब्रिटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है, सौर मंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो सीरियस इसका राइट आंसर हो जाएगा, सौर मंडल का सबसे चमकीला तारा सीरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो जॉर्ज जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है, जॉर्ज वाशिंगटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आकाश गंगा का आकार किस तरह का है, आकाश गंगा का आकार है आपका सर्पिलाकार, सर्पिलाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है आपका कि हवाई जहाज की पहली बार, ठीक है, युद्ध में प्रयोग कब किया गया था, हवाई
हवाई जहाज, विमान और हवाई जहाज की पहली बार युद्ध में उपयोग कब किया गया था? ये उपयोग किया गया था अक्टूबर 1911 में, ठीक है ना, 1911, 1911 में। किस वर्ष की भूकंपीय तरंगे, किस प्रकार की भूकंपीय तरंगे सबसे तेजी से चलती है? तो देखिए, अगर इसका राइट आंसर हो जाएगा पी तरंगे, समझते हैं पी तरंगे क्या होता है। तो देखिए, पी तरंगों को कहा जाता है प्राथमिक तरंगे। ये एक ऐसा तरंगे है जो सबसे तेज गति से चलता है। ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में, तीनों माध्यम में सफल तरीका से और तेजी से चलती है। सिस्मोग्राफ, ठीक है, पर पहुंचने वाली यह सबसे पहली तरंगे हैं, ठीक है ना। पी तरंगे सबसे तेज भूतापीय, सॉरी भूकंपीय तरंगे होता है, ठीक है ना। पी तरंगे जो प्राथमिक तरंगे होता है, ये भूकंपीय तरंगे होता है जो सबसे तेज गति से चलती है और तीनों माध्यम में चलती है, सॉलिड में भी, गैस में भी और लिक्विड में भी। अगला क्वेश्चन देखिए, चांद बीबी कहाँ का शासक थी, शासक था? तो अहमदनगर का, ठीक है। चांद बीबी कहाँ का शासक था? तो अहमदनगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है, किस वर्ष शुरू हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति वर्ष में शुरू हुआ था, ये वर्ष था 1789। फ्रांसीसी क्रांति जो स्टार्ट हुआ था 1789 में। अगला क्वेश्चन देखिए, इतिहास का सबसे पुराना ज्ञात शहर कौन सा है? सबसे पुराना ज्ञात शहर पूछा जाता क्वेश्चन, तो दमिश्क इसका राइट आंसर हो जाएगा, दमिश्क। चलिए, अब जीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रमुख शाखा और उनके जनक इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है आपका जंतु विज्ञान के जनक कौन सा, हमेशा पूछा जाता है, तो अरस्तु, एरिस्टोटल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरस्तु जो कि जंतु विज्ञान के जनक है, ठीक है। और अनुवांशिकी के जनक कौन सा है? तो जॉर्ज मेंडल, ना, जी जे मेंडल। तो मेंडल इनको कहा जाता है, जॉर्ज मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकिरण अनुवांशिकी के पिता कौन है? विकिरण अनुवांशिकी के जनक कौन है? तो एच जे मूलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर एक को याद रखिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन रिपीटेड है और आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है ना। हर एक एग्जाम के लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस 10 ईयर से लिया हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला क्वेश्चन क्या है? जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु, अनुवांशिकी के जनक जी जे मेंडल, और विकिरण अनुवांशिकी के जनक है आपका एच जे मूलर। आई होप कि आप लोग को याद हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आधुनिक अनुवांशिकी के पिता कौन है? तो बेटसन। आधुनिक अनुवांशिकी के पिता है आपका, जनक है बेटसन। आधुनिक शारीरिकी के जनक कौन है? तो एंड्रियास विसेलियस, ठीक है, एंड्रियाल विसेलियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक शारीरिकी के पिता एंड्रियास विसेलियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त परिसंचरण के पिता कौन है? सबसे पहले किन्होंने रक्त परिसंचरण पर कार्य किया था, उनका रिजल्ट निकाला था? तो विलियम हार्वे इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने बंदर पर रिसर्च किया था, बंदर पर सबसे पहले ब्लड को ट्रांसफर करवाने का काम किया था, वो भी सक्सेसफुल, ठीक है। तो विलियम हार्वे इसका राइट आंसर हो जाएगा, रक्त परिसंचरण के जनक। नेक्स्ट देखिए, वर्गीकी के जनक कौन है? तो कोरियोलिस लिनियस। इन्होंने इन्होंने पूरे वर्गीकी को नाम पद्धति देने में काम किया था, ठीक है ना। जैसे कि होता है ना, मनुष्य का साइंटिफिक नेम क्या है? तो होमोसेपियंस है। तो ये होमोसेपियंस जो नाम दिया था, वो कोरियोलिस लिनियस के जरिए नाम दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कि चिकित्सा शास्त्र के जनक क्या है? तो हिप्पोक्रेटस नाम का व्यक्ति, जिन्होंने चिकित्सा शास्त्र को अपनाया था, चिकित्सा शास्त्र पर सिद्धांत दिया था, तो इनको हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है चिकित्सा शास्त्र के जनक। उत्परिवर्तनवाद के जनक कौन है? ह्यूगो डी ब्रिज। उत्परिवर्तनवाद के जनक कौन है? ह्यूगो डी ब्रिज, ह्यूगो डी ब्रिज। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपी के जनक, तो आपका है मार्सेलो, मार्सेलो माल मालपीजी, मार्सेलो मालपीजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रोस्कोपी के जनक है मार्सेलो मालपीजी। जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? तो रॉबर्ट कोच इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीवाणु विज्ञान, रॉबर्ट कोच। नेक्स्ट है प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? तो एडवर्ड जेनर, जिन्होंने
पेनिसिलिन का खोज किया था? एडवर्ड जेनर, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर, जीवाश्म विज्ञान के जनक कौन है? तो लियोनार्डो दा विंची, लियोनार्डो दा विंची जीवाश्म विज्ञान के जनक, लियोनार्डो दी विंची। सूक्ष्म जैविकी के जनक तो लुईस पाश्चर, सूक्ष्म जैविकी के जनक कौन है? लुईस पाश्चर। ठीक है, नेक्स्ट है जीरोन्टोलॉजी, तो जीरोन्टोलॉजी के जनक कौन सा है? तो व्लादिमीर व्लादिमीर कॉर्नेचेवॉस्की, जो कि जीरोन्टोलॉजी के जनक है। क्लियर है? जीरोन्टोलॉजी के जनक व्लादिमीर कॉर्नेचेवॉस्की। नाम याद रख लीजिएगा, नाम सब इम्पोर्टेंट है, जितने भी वैज्ञानिक हैं इन सब का नाम इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है आपका एंड्रोकाइनोलॉजी, तो क्राइनोलॉजी का जनक कौन सा है? तो थॉमस एडिसन इसका राइट आंसर हो जाएगा, एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, थॉमस एडिसन। नेक्स्ट है आधुनिक भ्रूणिकी के जनक कौन है? आधुनिक भ्रूणिकी के जनक है कार्ल ई वॉन वेयर, कार्ल ई वॉन वेयर, आधुनिक भ्रूणिकी के जनक कार्ल ई वॉन वेयर। नेक्स्ट देखिए वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस जो कि बॉटनी के जनक है, मतलब कि वनस्पतिक शास्त्र के जनक, इसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? इम्पोर्टेंट है, पादप रोग विज्ञान के जनक है ए जे बटलर, ए जे बटलर, पादप रोग के जनक ए जे बटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पादप क्रिया विज्ञान के जनक, पादप क्रिया विज्ञान के जनक कौन है? तो स्टीफन हेल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, पादप क्रिया विज्ञान के जनक स्टीफन हेल्स। नेक्स्ट है बैक्टीरियोफेज के जनक कौन सा है? बैक्टीरियोफेज तो टुआटर्व दिहेरिल। ठीक है, टुआटर्व दिहेरिल इसका राइट आंसर हो जाएगा, टुआटर्व दिहेरिल, बैक्टीरियोफेज के जनक टुआटर्व दिहेरिल। और आज के लिए लास्ट हो गया आपका सूजनिकी, सूजनिकी के जनक कौन सा है? तो फ्रांसिस गॉल्डन, फ्रांसिस गॉल्डन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।